घर की मेथी की बनाएंगे हम प्योर चटनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दो तीन दिन से मैं बोल रहा था कि हम चूल्हे पर रोटी बनाएंगे और आज वो हो गया। अब जा रहे हैं चूल्हे पर रोटी बनाने। तो आटा ले लिया है, मैं नहीं बना रहा, दी बना रही है। ये बाजरे का आटा है और इसमें हम लेंगे कुंडी, कहाँ है कुंडी सोका। इसमें हम चटनी बनाएंगे, पिंडी घी है और मेथी तोड़ेंगे। मेथी तोड़ के, मेथी हमने दिन में तोड़ ली थी तो, और सुबह भी चटनी बनाई थी, वो क्लिप मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो अभी जा रहे हैं बाहर, रेडी कर लेंगे वाली सामान को, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। मेथी मैं कह रहा था, ये वाली मेथी मैंने दिन में काट ली थी, तो हमारी खुद की मेथी है ये, जो मैं एक बार दिखा दूंगा झलक है, पर वही है ना, रात में तोड़ नहीं सकते, तो मैंने ये दिन में ही रेडी कर लिया था। तो इसमें हमने डाल ली है मिर्च, और अगर आज प्रोग्राम ना बढ़ता बनाने का तो मेथी को रखते हैं हम फ्रिज में। इस मेथी का एंजॉय जरूर है। हाँ, तो हमें गार्डनिंग की खुद की मेथी, हाँ हमारी खुद की मेथी है ये, यहाँ पे सोसाइटी में जो बालकनी में लगा रखी है, ये वो वाली मेथी है। और हम बनाएंगे दो चटनी, एक जीजू के लिए, जीजू वाली में लहसुन नहीं डालेंगे, उनको लहसुन से एलर्जी है। सब्जी में खा लेते, सिर्फ चटनी में नहीं खाते। अच्छा, सब्जी में तो टेस्ट आता, उसके बिना मजा नहीं आता। और मेरे को चटनी में और ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब होना ही चाहिए लहसुन। हाँ होना चाहिए, मेरे को आदत हो गई थी जब मैं इंदौर में रहता था, तो मेरे को वहाँ पे क्या था, लहसुन जैसे नमकीन आते हैं नमकीन के पैकेट, उसमें लहसुन आते थे, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लहसुन खाते हैं, तो वहाँ से लहसुन की आदत पड़ गई थी मेरे को। मैं ज़्यादा दो साल अपने घर में भी तो कितना डालते हैं, मतलब वो तो डालते हैं नॉर्मली, वहाँ ज़्यादा ही खाते हैं। तो एक बार देख, सामान रेडी कर लिया है मोस्टली। हाँ बस बाहर लेके चलते हैं फटाफट। ये हो गया, यहाँ पे भी आटा है, आटा लगाएगी दी अभी। और जीजू को हो रहा है सिर में दर्द, यहाँ पे लेटे हुए हैं, मंडासा उंडसा मार के ये कह रहे हैं देसी तरीके से। आज अरे खाट भी तो लेके चलनी है बाहर, खाट बाहर खाओगे अंदर खाओगे बाहर अंदर, जीजू तो अंदर खाएंगे, मैं खाऊंगा बाहर बैठ के खाट पे। तो मैं लेके चलता हूँ बाहर इसको। और ये मेथी थी, इसी में से हमने छाट के काटी है थोड़ी सी, अपने घर की मेथी की बनाएंगे हम प्योर चटनी। यहाँ पे हाँ, जितनी निकालनी अच्छे अच्छे से निकाल लो, फिर आग चालू कर दे। और भाई हमने वो उसको किया नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास मिट्टी नहीं थी यार, तो हमने सोचा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। आराम से मिट्टी उड़ेगी इसमें से। और ये खाट लेके आते हुए, और ये पार्टी में हो रही है, यहाँ पे डिस्टरबेंस करेंगे। नहीं थोड़ा बहुत आएगा शायद, कैमरे में इतना ना सुनाई दे मेरे ख्याल से। वो सामने आप लोगों को अगर सुनाई दे रही हो ना लाइट, मतलब लाइट दिख रही हो जलती हुई, तो यहाँ पे ना पार्टी चल रही है, सामने विला है हमारे, यहाँ पे पार्टी चल रही है बढ़िया वाली, यहाँ तक म्यूजिक आ रहा है। चलो मैं फटाफट से सामान ले आती हूं। यहाँ पे चल रही है पार्टी, नाइट पार्टी हो रही है, और व्यू कुछ ऐसे है। और सारा सामान हमने ला के रख दिया है, ये देखिए, बस अब आग स्टार्ट करते हैं। ये देखो भाई आग हो गई है रेडी।
और चटनी कर दी है रेडी दीदी ने, ये देखिए भाई। अरे वाह गजब लुक, यहाँ बैठ के खाएंगे खाना जी। जो खा रहे हैं यहाँ पे खाना, उनके लिए दूध गर्म किया है और बाजरे की है, केंडी घी है, चटनी है और दी यहाँ पे बैठ के बना रही है बाहर। मैं भी चलता हूँ, मैं भी खाऊंगा थोड़ी देर में और दी आ गई लाइव, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। दी लाइव आई हुई है और जी जो अंदर रोटी खा रहे हैं। हाँ मीठा नींबू वाला ना, मीठा नींबू का कौन सा आता मुझे नहीं पता, वो ब्रांड कोई भी हो। किसने कह रही पता नहीं, टेप ला बाजरे की रोटी, चटनी, गुड़ और दही और ये मैं। और अभी आप बोलेंगे कि अभी तो आपने चुन्नी ओढ़ रखी थी, अभी क्या हो गया, क्योंकि अभी मैंने रोटी जो है अपनी बना ली है एंड बट मैं स्टिल जो है इसको कवर कर लेती हूँ। तो मैंने जो है अभी रोटी बनाई है चूल्हे पे, आप देख सकते हैं आग अभी तक जल रही है। बस ये खाना रह गया था, मतलब मैंने इसने साथ में ही खाई है, बट बीच में यार कई सारे काम हो जाते हैं, व्लॉग भी शूट किया है साथ में, रील भी शूट करी है मेरे अकाउंट पे, तो ये भी बेचारा बीच में ही उठ गया था, मतलब रह गया था। एक और गर्म कर दो ना, लाइव भी तो आ गए थे बस। हाँ और बीच में लाइव आ रखे थे यार, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो बस ये हम पिछले 4 दिन से प्रॉमिस कर रहे थे इन लोगों को कि हम लोग चूल्हे पे रोटी बनाएंगे, चूल्हे पे रोटी बनाएंगे, हैं पिछले 4 दिन से हम आप लोगों को गोली दे रहे थे कि हम बनाएंगे बनाएंगे, बट एक्चुअली गोली नहीं थी, कहीं ना कहीं कभी अमित जी चले जाते थे, कभी ये चले जाते थे, टाइम ही नहीं लग रहा था हमें। और आज जो है फाइनली, मतलब मुझे पहले से ये लग रहा था कि ना हम लोग 12 बज गए। हाँ मेरे को यही लग रहा था 11-12 बजे लेट ही बनेगी, मुझे उम्मीद थी ये पक्का। तो बस अभी बना लिया है, खा पी लिया है, ये चटनी बनाई थी, सब्जी के साथ मज़ा नहीं आता, मतलब चटनी हो लस्सी हो तो मज़ा आता है, बट क्योंकि अभी ठंड हो गई है, मतलब शाम हो गई है, तो फिर इतना मतलब लस्सी के साथ जो है सूट नहीं करेगा, बीमार हो जाएंगे। तो फिलहाल हमने जो है अभी खाना वाना खाने के बाद गरम दूध लेंगे सोते टाइम, अभी ऐसे ही चटनी के साथ खा ली हमने रोटी और बस। अभी ये सारा सामान उठा के भी मैं अंदर रखूँगी, फिर उसके बाद जो 2-4 बर्तन हैं वो करके फिर हम फ्री और ये आराम से यहाँ पे खाने का एंजॉय लेते हुए। खाट पे खाने का मज़ा अलग है, वैसे चूल्हे पे बनाने का भी मज़ा बहुत अलग है। तो बस बाकी का भाई दिखाएगा, अभी मैं एक बार ये सारा सामान है इसको अंदर रख दूँ और बस फ्री हो जाऊँ। 12 से भी ज़्यादा का टाइम हो गया होगा, 12 नहीं। और ये वाला मिलेगा इनके व्लॉग में? हाँ, और अगर मतलब आधा व्लॉग मेरे में शूट हुआ था, इसके में हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उस टाइम हम लाइव आ गए, इसको भी ध्यान नहीं रहा। उस टाइम अगर मैं लाइव आ रखी हूँ तो ये अपने से शूट कर ले, शायद नहीं किया, इसने भी किया है थोड़ा बहुत किया है, तो वो देख लेना है, तो मेरे में मिलेगा या इसके में मिलेगा।